सॉरी थोड़ा लेट हो गया, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आते का? यस सर। ओके, देखिए कल हम फ्रॉड डिस्कस कर रहे थे, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स देखा था, फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट भी देखा था। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे विंडो ड्रेसिंग। ये जो है विंडो ड्रेसिंग, ये मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, जो हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, जिसमें मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये तीन फ्रॉड के टाइप्स है, मेन टाइप्स। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स जो है इसमें से एक पार्ट है विंडो ड्रेसिंग। तो देखिए विंडो ड्रेसिंग हम किसे कहते हैं, प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स इन सच अ वे एज टू शो अ मच बेटर फाइनेंशियल कंडीशन देन एक्चुअल कंडीशन। तो देखिए आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे कई अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए अकाउंट्स में आप चेंजेस करते हैं, उसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। लक्षात येतं का बघा, आपली आहे त्याच्यापेक्षा चांगली परिस्थिती दाखवायची आहे, आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रॉफिट आपल्याला दाखवायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून आपली जी पोजिशन आहे फायनान्शियल पोजिशन स्ट्रॉंग दाखवायचे। लक्षात घ्या, आपली जी पोजिशन आहे त्याच्यात कितीतरी पटीने स्ट्रॉंग दाखवायचे, आणि हे दाखवत असताना तुम्ही काय करणार आहात, तुमच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये चेंजेस करणार आहात। लक्षात घ्या, प्रेझेंटिंग द अकाउंट्स इन सच अ वे, आपके अकाउंट्स ऐसे आप प्रेजेंट करेंगे कि जो आपकी पोजीशन जो है एक्चुअल में उससे अच्छी दिखेगी, आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी स्ट्रांग दिखेगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन जब आपकी जितनी है उससे एक्चुअल में आप ज्यादा दिखाते हैं उसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये रॉन्ग पिक्चर आप दिखाते हैं, टू शो अ रॉन्ग पिक्चर। तो ये विंडो ड्रेसिंग मतलब एक्चुअल पोजिशन से अच्छी पोजिशन दिखाने की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए सॉरी, पहले हम देखेंगे कैसे दिखाते हैं, बाद में हम देखेंगे कि क्यों दिखाना पड़ता है। फॉलोइंग आर फ्यू वेज ऑफ विंडो ड्रेसिंग, फॉर विंडो ड्रेसिंग तो कैसे क्रिएट अकाउंट मध्ये काय चेंजेस केले जाऊ शकतात बघा। रेकॉर्डिंग ऑफ सेल्स अँड इनकम्स ऑफ द फॉलोइंग इयर इन करंट इयर। करंट इयर मध्ये तुम्ही गेल्या वर्षीचे किंवा नेक्स्ट इयरचे काही सेल्स असतील, इन्कम्स असतील गेल्या वर्षीचे, तुम्ही या वर्षी परत रेकॉर्ड करणार आहात। जो सेल लास्ट ईयर का था वो करंट ईयर में आपने रिकॉर्ड किया, इनकम्स थे इस ईयर का नहीं है नेक्स्ट लास्ट ईयर का था वो भी आपने करंट ईयर में रिकॉर्ड किया, तो आपका सेल बढ़ गया तो आपका इनकम भी बढ़ेगा जनरली, या अदर इनकम्स जो भी आपके रहेंगे वो करंट ईयर में आपने रिकॉर्ड किए। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड और लेस चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे आप तो प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करेंगे आप, एसेट में से माइनस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को आप दिखाते हैं, मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन है उतना प्रॉफिट आप कम करते हैं। सपोज आपके फिक्स्ड एसेट है 10 करोड़ के, 10% से अगर आप सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 1 करोड़ आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आपने क्या किया, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया तो आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ेगा। लक्षात येतं का बघा, आम्ही डेप्रिसिएशन चार्जेस नाही केलं तर खर्च येणार नाही आहे, लक्षात घ्या। प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला तुम्ही दाखवणार नाही आहात, म्हणजे 1 कोटीनी तुमचा प्रॉफिट थोडा वाढणार आहे। या आपने क्या किया, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना था उसकी जगह 5% चार्ज किया, तो 50 लाख के 50 लाख से आपका डेप्रिसिएशन कम हुआ। तो 50 लाख से अगर आपका डेप्रिसिएशन कम होता है तो 50 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ता है। लक्षात येतं का बघा, डेप्रिसिएशन तुम्ही कमी चार्ज केलं किंवा चार्जेस नाही केलं तर तेवढ्यानी तुमचा प्रॉफिट वाढणार आहे, लक्षात घ्या। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग लेस प्रोविजन्स और नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड अदर एक्सपेंसेस। जहां पे जरूरत है वहां पे आप प्रोविजन नहीं करेंगे, आपको पता है कि ये डाउटफुल डेट्स है, ये नहीं आ सकते हैं। जो डाउटफुल डेट्स है उसकी आपको प्रोविजन करनी पड़ती है। प्रोविजन करतो म्हणजे काय करतो आपण,
डेटर्स मधून तेवढे मायनस करतो आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवतो, म्हणजेच आपण प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट चार्ज करतो, बरोबर ना? प्रॉफिट के अगेन्स्ट आप चार्ज करते हैं, जितना आपका डाउटफुल डेट्स है उतने से आप प्रॉफिट कम करते हैं, क्योंकि वो डेटर्स आपको वो अमाउंट पेड करने वाले हैं या नहीं है ये कंफर्म आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि ये नहीं मिल सकता, डाउटफुल है आप मिलने के लिए अमाउंट आपको रिसीव होने वाली है इसके लिए। तो आपने क्या किया, उसकी प्रोविजन जो है वो कम कर दी, मतलब आपको लगता है कि 10 लाख के आपके डेटर्स है वो डाउटफुल है, लेकिन आपने क्या किया 1 लाख की प्रोविजन की कम कर दी, किंवा आपण त्याची प्रोविजनच नाही केली, तर मग तेवढ्यानी प्रॉफिट म्हणजे 10 लाखाचे तुमचे डाउटफुल डेट्स असतील तो 10 लाख से आपका प्रॉफिट जो है आप अगर आपने प्रोविजन नहीं की तो 10 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपने कम प्रोविजन की 5 लाख की प्रोविजन की तो 5 लाख से प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। लक्षा देता का बोला, म्हणजे डेटर्स पे आप क्या करेंगे, जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स की या अदर एक्सपेंसेस अगर कुछ है उसकी आपको प्रोविजन करनी है तो प्रोविजन आप क्या करेंगे वो कम करेंगे या प्रोविजन ही नहीं करेंगे। दो वेज है इसके, तो ऐसे आप आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नॉर्मल रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे? डिफर्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल या रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू? बर ठीक है, अपन असं कंसिडर करू की मीनिंग किंवा ते काय आहे माहित नाही, पण डिफर्ड रेवेन्यू कुठं आपण दाखवतो वो कहां पे आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का, कोई बता सकता है, सांगू शकता आपका कोणी? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है लेकिन उसको आपने डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर किए, डिफर्ड रेवेन्यू आप कहां पे दिखाते हैं? हमने देखा है कैपिटल रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू तीन एक्सपेंसेस के टाइप होते हैं, आठवतो का काही? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप कहां पे दिखाते हैं? आपण दाखवतो ना डिफर्ड रेवेन्यू, ऐकलेला आहे का? सर प्रीपेड एक्सपेंसेस में, प्रीपेड अलग बात है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अलग है और डिफर्ड रेवेन्यू अलग है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अगर आपने एडवांस में पेड किए तो उसे हम प्रीपेड कहते हैं, लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू अलग कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए डिफर्ड रेवेन्यू ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ओरिजिनली रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ओरिजिनली रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, और वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, और वो एक्सपेंसेस 4-5 साल में पार्ट पार्ट में उसको राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, न्यू प्रोडक्ट टोटली न्यू है जो मार्केट में अभी तक किसी का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा आपने प्रोडक्ट कोई तो लॉन्च किया है, आणि हे जे न्यू प्रोडक्ट आहे हे लॉन्च तुम्ही केलेलं आहे याचा बेनिफिट आपल्याला मोर देन 1 ईयर साठी येणार आहे, तो इसके लिए ये प्रोडक्ट आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपने हेवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, हर गांव हर गली में आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है आपको, इसके लिए आपने क्या किया हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उस पे कर दिए। तो ये जो हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने कर दिया तो इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए, प्रोडक्ट जो है सपोज हम कंसिडर करेंगे कि हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट है, हर दिन लगने वाला प्रोडक्ट है, असं काहीतरी तुम्ही लॉन्च केलेलं आहे, आणि मग त्याचा फायदा जो आहे जे तुम्ही घराघरापर्यंत प्रॉडक्ट पोहोचवण्यासाठी जे ॲडव्हर्टाईजमेंट करणार आहात ते हेवी, कारण नवीन प्रॉडक्ट आहे लोकांना माहीत नाही आहे, ते लोकांना माहिती करून द्यायचं आहे आपल्याला, तो इसके लिए आपने हेवी ॲडव्हर्टाईजमेंट एक्सपेन्सेस जो है वो कर दिए। तो ये एक्सपेन्सेस अगर आप देखेंगे तो ॲडव्हर्टाईजमेंट एक्सपेन्सेस जो है वो हम रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, लेकिन ये हेवी ॲडव्हर्टाईजमेंट एक्सपेन्सेस है जो कि आपने प्रॉडक्ट लॉन्च करने के लिए कर दिए है,
तो इसे हम कंसिडर करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए लगेगा मिलेगा। और ये जो एक्सपेंसेस है, सपोज 10 लाख के आपने एक्सपेंडिचर कर दिए है, तो 10 लाख आप 5 ईयर्स में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। 10 लाख जो है वो 5 ईयर्स में, इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख करंट ईयर के प्रॉफिट में से पूरे आपने माइनस नहीं किए। लक्षात येतं का बघा, सगळेच्या सगळे 10 लाख आपण ऍडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवला का, नाही दाखवला। लक्षात घ्या, आपली ऍडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस तर झालेली आहे, पण मग ती प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट आपण चार्ज केली का, नाही केली, म्हणजे 10 लाखांनी प्रॉफिट तुमचा यावर्षी जास्त दिसणार आहे। लक्षात घ्या, त्याच एक्सपेन्सेस तुम्ही जर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला चार्ज केल्या, अगर आपने प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट को डेबिट किए, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट 10 लाख से कम होगा, रेड्यूस होगा आपका प्रॉफिट, डिक्रीज होगा आपका प्रॉफिट। तो आपने क्या किया, डिफर्ड नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आपने नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट दिया है, न्यूज पेपर में दिया है, टीवी पे दिया है, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, लेकिन रेगुलर आपका प्रोडक्ट है, रेगुलर प्रोडक्ट का आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसका एक्सपेंसेस है, सपोज आप टीवी पे ऐड देते हैं 2-4 चैनल पे, तो हम कंसिडर करेंगे 50 लाख का आपका एक्सपेंसेस है, या 1 करोड़ का आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। आपणाला माहिती आहे, लक्षात घ्या, सेकंदाला आपणाला पैसे द्यावे लागतात टीव्हीवर जर तुम्ही ऍड देत असाल तर, आणि त्या लॅक्स मध्ये त्याची अमाऊंट आपणाला पे करावी लागत असते, तो हम कंसिडर करेंगे की 1 करोड़ आपके ऍडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस है, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स में आपने दिए हुए है, रेगुलर आपके जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है उसका आपने किया हुआ एडवर्टाइजमेंट है। आपने क्या किया, 1 करोड़ के नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, लेकिन उसको डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर किया। डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर करने के बाद ये क्या हुआ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करने की जगह बैलेंस शीट मध्ये आपण त्याला असेट साइडला दाखवलं। लक्षात घ्या, आणि मग तो 1 करोड़ आहे तो आपण पुढच्या 5 वर्षांमध्ये प्रत्येक वर्षी आपण काय करणार आहोत, सपोज 20 लाख आपण राइट ऑफ करणार आहोत, तो ऐसे आप आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट जो है आपका 1 करोड़ से बढ़ गया, 1 करोड़ से आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस कंसिडर्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि आपको विंडो ड्रेसिंग करना है, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, तो एक्सपेंसेस जो है आपने डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर किए, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कंसिडर करने के बाद वो प्रॉफिट के अगेंस्ट आप करंट ईयर में चार्ज नहीं करते हैं। लक्षात घ्या, करंट ईयरला आपण त्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला चार्ज करत नाही, त्यामुळे तुमचा प्रॉफिट जो आहे तो प्रॉफिट इनक्रीज होतो, लक्षात घ्या, तेवढ्या अमाऊंटने। तो नेक्स्ट देखिए आप कैसे कर सकते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका जितना है उससे ज्यादा वैल्यूएशन आप दिखा सकते हैं। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, क्रेडिट साइड जितनी बढ़ेगी आपकी, क्रेडिट साइड जितनी बढ़ेगी उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता है। कारण प्रॉफिट बघा, डेबिट साइडला आपला डिफरन्स येतो, काय येतो तर क्रेडिट साइड आपली एक्सेस असते, क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा होती है, इसीलिए डेबिट साइड को डिफरेंस आता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो जितने से आपकी क्रेडिट साइड बढ़ेगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, अगर 50 लाख का आपने दिखाया 60 लाख का, 10 लाख से आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया, तो 10 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। 50 लाख का क्लोजिंग स्टॉक आपने 90 लाख दिखाया, तो 40 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लक्षात येतं का बघा, जितक्याने तुम्ही क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन वाढवणार आहात तेवढ्याने काय होणार आहे, तुमचा प्रॉफिट वाढणार आहे। मग ओव्हर व्हॅल्युएशन आप क्लोजिंग स्टॉक का करके आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते है। प्रॉफिट जितका वाढेल तेवढं तुमची प्रॉफिटेबिलिटी चांगली दिसणार आहे, लक्षात घ्या। नेक्स्ट देखिए, नॉट राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। आपको पता है इनटेंजिबल असेट्स जो होते हैं उसको राइट ऑफ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गुडविल का राइट ऑफ करते हैं, गुडविल जो है वो राइट ऑफ करते हैं, उसमें से सपोज 10% 20% हर साल आपको राइट ऑफ करना होता है। या पेटेंट्स है, सपोज पेटेंट आपके लिए आपको 10 साल के लिए मिला है, 10 साल के लिए, तो 10 साल में वो पेटेंट आपको क्या करना है, 10% आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ कराए म्हणजे काय करायचं, कि तब पेटेंट्स मधून 10% अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे असेट साइड को, जो पेटेंट आप दिखाएंगे उसमें से, और चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये प्रोसेस है, इनटेंजिबल असेट्स आपकी राइट ऑफ करनी पड़ती है। आपने इनटेंजिबल असेट राइट ऑफ ही नहीं किया,
उसको वैसे ही बॅलन्स शीट में रख दिया, असेट साइड ला आपण तसंच ठेवून दिलं, लक्षात घ्या, ते राईट ऑफ केलं नाही, म्हणजे तुम्ही प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट ते चार्ज केलं नाही, लक्षात घ्या, प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट आपण त्याला चार्ज केलं का नाही केलं लक्षात घ्या, म्हणून तेवढ्याने तुमचा प्रॉफिट दरवर्षी वाढणार आहे, लक्षात घ्या. नॉट रायटिंग ऑफ डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो 5 साल में आपको उसको राइट ऑफ करना है. 1 करोड़ के हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने किए हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो आपको क्या करने पड़ते हैं, राइट ऑफ करने पड़ते हैं. 5 साल में सपोज 20% 20% हर साल आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आपने क्या किया, वो राइट ऑफ नहीं किए, वो एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ नहीं किए, तो वो एक्सपेंसेस आज एज इट इज बॅलन्स शीट मध्ये तुमचे दिसणार आहेत, लक्षात घ्या. आणि मग काय होणार आहे, तुमचा प्रॉफिट जो आहे तो प्रॉफिट तेवढ्यानी दरवर्षी एक्स्ट्रा दिसणार आहे, कारण त्या ऍक्च्युअल राईट ऑफ करायला पाहिजे होत्या, तुमचा प्रॉफिट तेवढ्यानी कमी व्हायला पाहिजे होता, पण तुम्ही ते राईट ऑफच केलं नाही, त्यामुळे तर प्रॉफिट तुमचा वाढणार आहे, लक्षात घ्या. जे हे काही वेज आहेत, कुछ वेज जिससे आप कर सकते हैं, ये जनरल वेज है. Thus, window dressing shows an improved financial position than what is really. Really, आपकी जो position है, actual में जो आपकी position है, उससे कई बेहतर position जो है, आप दिखाते हैं window dressing में. आपका जो real profit है, उससे कई ज्यादा profit आप दिखाते हैं. कैसे? Accounts में manipulation करके. तो accounts में कैसे manipulation करते हैं हम, हे आता आपण बघितलं, लक्षात घ्या. म्हणजे काही टेक्निक जे आहेत ते आपण इथं बघितले. तो विंडो ड्रेसिंग किस लिए आप करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या है, टू शो मोर प्रॉफिट, आपको मोर प्रॉफिट दिखाना है, फॉर मोर रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सोनल. तो देखिए कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट में बताया है कि आपका जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज में मैनेजरियल रेमुनरेशन जो होता है, मैनेजरियल पर्सोनल जो है, जे कोण मॅनेजरियल पर्सोनल असतात त्यांचं रेम्युनरेशन प्रॉफिटवर डिपेंड असतं, लक्षात घ्या. आपका जितना प्रॉफिट रहेगा उतना आपका रेम्युनरेशन बढता है. तो मॅनेजरियल पर्सोनल जो है उनको अगर लगता है कि हमें रेम्युनरेशन ज्यादा चाहिए तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाना पड़ेगा, इसलिए जनरली वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं. टू अट्रैक्ट मोर लोन्स, देखिए हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक क्या करती है, आपकी एबिलिटी चेक करती है, आपकी कंपनी जो है, आपकी फर्म जो है प्रॉफिट में है या नहीं है, ये देखने के लिए बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड करती है. अगर आपका अच्छा प्रॉफिट है तो बैंक आपको लोन देती है, क्योंकि बैंक को पता होता है कि कंपनी प्रॉफिट में है, तो ये अपना लोन जो है वो रीपेमेंट टाइम में कर सकता है. तो टू अट्रैक्ट मोर लोन्स, लोन अगर आपको चाहिए तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, इसलिए विंडो ड्रेसिंग किया जाता है, या क्रेडिट एक्सेट्रा फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किंवा बँक्स कडून आपल्याला लोन मिळवायचे असतील, क्रेडिट्स मिळवायचं असेल, तर आपण प्रॉफिट जो आहे तो आपला ज्यादा दाखवणार आहोत, लक्षात घ्या. टू अट्रॅक्ट मोर रेस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक फॉर इश्यू ऑफ शेअर्स, शेअर्स जर आपल्याला इश्यू करायचे आहेत पब्लिकला, तर पब्लिक तुमच्याकडे, जसं आपण बघितलेलं आहे, लक्षात घ्या, बऱ्याचदा डिस्कस केलेलं आहे, शेअर्स कधी तुमचे सबस्क्राईब करतील, जर कंपनी तुमची प्रॉफिटमध्ये असेल, शेअर होल्डर को जो जो भी इन्व्हेस्टर है, जो प्रॉस्पेक्टिव इन्व्हेस्टर जिसे हम कहते हैं, मतलब इन्व्हेस्ट करने वाला है, अभी किया नहीं है, वो पहले क्या करेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजिशन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी है तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर मेरा पैसा किसी कंपनी में लगाने वाला हूं तो मुझे रिटर्न भी उतना चाहिए. मैं अगर एमआरएफ का शेयर लेता हूं, आज एमआरएफ का शेयर जो है 80,000 समथिंग एक शेयर की वैल्यू है, जो कि 100 रुपीज का शेयर है, आज तुम्ही जर बघितलं नेटवर्थी टाकून 70-80 हजाराच्या आसपास काय आहे एक्झॅक्ट मला माहित नाही, पण 70-80,000 के रेंज में आज एमआरएफ का शेयर है. मैं अगर एमआरएफ का शेयर परचेस करना चाहता हूँ तो मुझे उतना 80,000 अगर मैं एक शेयर को देने वाला हूँ तो मुझे उतना रिटर्न भी मिलना चाहिए. ये मैं देखूंगा पहले, जब मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, या रिलायंस का शेयर्स में लेना चाहता हूँ किंवा टाटाचा शेअर्स मला घ्यायचा आहे, तर मला त्याच्यातून रिटर्न किती मिळणार आहे, उसमें इन्क्रीज कितना हो सकता है, इन्क्रीज कैसे होगा, अगर कंपनी आपकी परफॉर्म अच्छा कर रही है मार्केट में तो ही शेयर्स के वैल्यू में इंक्रीज हो सकता है. तो परफॉर्म कर रही है अच्छा, ये कैसे आपको पता चलेगा, अब उनके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे. आप आपने अलग अलग रेशियोज देखे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में,
और ऐसे एनालिसिस आप करेंगे अगर आप एक्सपर्ट है तो, ऐसे स्टडी करके आप क्या करेंगे, अपना डिसीजन फाइनल करेंगे। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे दिखाने चाहिए आपको। तो विंडो ड्रेसिंग किस लिए किया जा सकता है, पब्लिक को शेयर्स जो है वो शेयर्स से इशू ऑफ शेयर्स में रेस्पॉन्स जो है पब्लिक का अच्छा लाने के लिए आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, टू अट्रैक्ट मोर रेस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स, टू अट्रैक्ट फेवरेबल टर्म्स फ्रॉम क्रेडिटर्स लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए क्रेडिटर्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होते हैं, हमने देखा है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की आपलं ऑडिट जे आहे ते फक्त आणि फक्त ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बॅलन्स शीट याच्याभोवती फिरतं, लक्षात घ्या। हे सोडून आपण काही बघणार नाही, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आणि बॅलन्स शीटचे जे सगळे आयटम आहेत तेच आपल्याला बघायचे, आणि म्हणून सांगितलं मी अकाउंटिंगचं नॉलेज आपल्याला जर असेल तर हे इझिली आपण समजू शकतो। बेसिक नॉलेज अगर आपको है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इसका क्या प्रॉफिट पे असर होता है, ये अगर आपको पता है तो इजीली आप मतलब सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स तुम्हाला क्रेडिट कधी अलाउ करतील, जर तुमची कंडीशन चांगली असेल, क्रेडिटर को ऐसा लगता है कि ये पैसा जो है हमें रिटर्न मिल सकता है, इनको हम क्रेडिट दे सकते हैं, है? तो 10 दिन की जगह 15 दिन दिए तो भी चलेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है, तो 15 दिन की जगह 20 दिन भी आप क्रेडिट ट्रेड अलाउ करते हैं। टर्म्स जो है फेवरेबल आपको चाहिए तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे क्रेडिटर आपको अलाउ करेंगे। जहां पे 10 दिन है वहां पे क्रेडिटर आपको 15 दिन दे सकता है, या लेंडर मनी लेंडर जो भी है जिससे आप अमाउंट एडवांस में लेते हैं या लोन पे लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको फेवरेबल टर्म्स कंडीशन दे सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है तो। टू हैव ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है, जस्ट मिनट, तो देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर का आप पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करते हैं तो जो पार्टनर है वो गुडविल जो है वो गुडविल का पेमेंट करता है, और ये जो गुडविल है ये हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको पता है, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा है, आणि एडमिशन ऑफ पार्टनर मध्ये जो जी गुडविल आणलेली असते ती गुडविल तुमच्या फर्मच्या जे काही रेप्युटेशन आहे त्याच्यावरती डिपेंड असते, लक्षात घ्या। जे काही तुमची फर्म आहे त्याचं प्रॉफिट आहे त्याच्यावरती त्याचं व्हॅल्युएशन, आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या, आपण ॲव्हरेज प्रॉफिटनी गुडविल व्हॅल्युएशन त्याच्या मेथड्स वेगवेगळ्या आहेत, म्हणजे तुमचा प्रॉफिट किती आहे, तुमचा लॉस किती आहे, याच्या बेसिसवरती आपण गुडविलचं व्हॅल्युएशन करत असतो, बरोबर ना? आणि म्हणून तुम्हाला जर गुडविलचं व्हॅल्युएशन जे आहे ते जर चांगलं करायचं असेल तर तुमचा प्रॉफिट जास्त पाहिजे, तर तुमची गुडविलचं व्हॅल्युएशन जास्त होणार आहे, बरोबर ना? आणि मग प्रॉफिट जास्त दाखवायचं असेल तर मग आहे त्याच्यापेक्षा तुम्हाला एक्स्ट्रा दाखवायचं आहे तर आपल्याला विंडो ड्रेसिंग करावं लागेल। तो गुडविल का व्हॅल्युएशन जो है ज्यादा करने के लिए आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर जब करते हैं आप तब। नेक्स्ट देखिए, बघा विंडो ड्रेसिंग मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला, विंडो ड्रेसिंग समजलं का? समझ में आया विंडो ड्रेसिंग क्या है, किस लिए आप करते हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बघा ऑडिट हा विषय समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला कन्सेप्ट समजला तर तुम्ही इझिली व्यवस्थित लिहू शकता, लक्षात घ्या, त्यामुळे क्लिअर कट समजून घेणं महत्त्वाचं आहे। क्रिएशन ऑफ सिक्रेट रिझर्व हे विंडो ड्रेसिंग के अपोजिट हम कह सकते हैं इसको, म्हणजे त्याच्या बरोबर विरुद्ध सिक्रेट रिझर्व आहे, लक्षात घ्या। जे विंडो ड्रेसिंग आपण बघितलं त्याच्या बरोबर उलट रिवर्स जो है वो सिक्रेट रिझर्व है। तो देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट सेट असाइड, आपने साइड को रखा और रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए आपने उसको रिजर्व करके रखा है। पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट विच इज सीक्रेटली रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, सीक्रेटली आपने रिजर्व किया है फॉर फ्यूचर यूज एंड विच इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मध्ये तुम्ही त्याला दाखवलेलं नाहीये, लक्षात घ्या। तो सीक्रेटली ठेवलेला आहे, सीक्रेटली कसा ठेवतात तो आपण बघणार आहोत पुढे। इट इज क्रिएटेड टू शो बॅड पोजिशन दॅन ऍक्च्युअल, देखिए
विंडो ड्रेसिंग में आप क्या करते थे, एक्चुअल पोजीशन है उससे अच्छे आप दिखाने का प्रयास करते थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो पोजीशन है एक्चुअल में अच्छी है लेकिन उससे बैड पोजीशन दिखाने का प्रयास यहाँ पे हम कर रहे हैं। लक्षात येतं का बघा, आपण काय करतोय, विंडो ड्रेसिंग मध्ये होती पोजीशन त्याच्यापेक्षा खूप चांगली दाखवायचा प्रयत्न करायचो, आणि सिक्रेट रिझर्व मध्ये आपण काय करतोय, जे आपली ऍक्च्युअल पोजिशन चांगली आहे त्याच्यापेक्षा खराब पोजिशन दाखवायचा प्रयत्न आपण सिक्रेट रिझर्व मध्ये करत आहोत। लक्षात घ्या, इट इज क्रिएटेड बाय मॅनेजमेंट बाय अंडरस्टँडिंग असेट्स अँड प्रॉफिट और बाय ओव्हर स्टॅटिंग लायबिलिटीज। आणि हे जनरली बघा, विंडो ड्रेसिंग सुद्धा मॅनेजमेंट करतं आणि सिक्रेट रिझर्व भी जो है वो भी मॅनेजमेंट करता है। ये कैसे करेगा, असेट्स और प्रॉफिट जो है उसका अंडरस्टैंडिंग लेके, या लायबिलिटीज जो है आपकी वो ज्यादा दिखा के, एक्चुअल में नहीं है लेकिन लायबिलिटीज आपने ज्यादा दिखाई। तो देखिए आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या, फायनान्शियल पोजिशन आपण कधी चांगली म्हणतो, आपकी फायनान्शियल पोजिशन या आपके कंपनी की फायनान्शियल पोजिशन अच्छी है ऐसे हम कब कहेंगे, आपलं जे येणं आहे ते देण्यापेक्षा जर जास्त असेल, आपको जो पेड करना है आपकी लायबिलिटीज जो है वो अगर असेट से कम है तो हम जनरल स्टेटमेंट आहे, लक्षात घ्या, जनरली आपण बघत असतो, याच्यामध्ये परत परत टेक्निकल गोष्टी आहेत, परंतु एक जनरल असं आहे की तुमच्या असेट्स ह्या लायबिलिटी पेक्षा जर जास्त असतील, जास्त असतील तर तुमची फायनान्शियल पोजिशन चांगली आहे असं आपण म्हणतो। मग त्याच्यात किती चांगली आहे त्याच्यामध्ये परत अनालिसिस करावं लागतं, लेकिन एक जनरली हम ऐसे बता सकते हैं कि आपकी असेट्स जो है अगर लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर आपकी लायबिलिटीज असेट से ज्यादा है, लायबिलिटीज असेट से ज्यादा है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो देखिए मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, आपकी लायबिलिटीज ज्यादा दिखाता है, मतलब असेट से ज्यादा अगर आपकी लायबिलिटीज हो गई तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ऐसे होता है। तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, लायबिलिटी जो है उसका ओवर स्टेटमेंट करता है। तो सेम देखिए कैसे आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। सीक्रेट रिजर्व जसं मी सांगितलं की विंडो ड्रेसिंगच्या बरोबर विरुद्ध तुमचा सीक्रेट रिजर्व आहे, म्हणजे विंडो ड्रेसिंग करण्यासाठी जे तुम्ही करायचं त्याच्या उलट आपल्याला इथं करायचं, लक्षात घ्या। तो देखिए कैसे आप कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व क्रिएट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एक्सेस देन रिक्वायर्ड। आपका जो डेप्रिसिएशन है, आपको बताया है कि 10% डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, आपने क्या किया 20% डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है 10% लेकिन आपने चार्ज किया 20%, यानी 10% डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा चार्ज किया। एग्जाम्पल म्हणून आपण जर घेतलं तर 10 लाख 10 करोड्सच्या तुमच्या, जसं आपण विंडो ड्रेसिंग मध्ये घेतलं होतं तेच एक्झाम्पल आपण घेऊ, 10 करोड्सच्या तुमच्या असेट्स आहेत आणि त्याच्यावरती 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं आहे असं तुम्हाला स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट आहे, कायद्यामध्ये सांगितलेलं आहे 10% डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करणार आहे, आपने क्या किया 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब 1 करोड की जगह 2 करोड डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, इसका मतलब 1 करोड से प्रॉफिट आपने कम कर दिया। 1 करोड डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना था लीगली लेकिन आपने 2 करोड चार्ज किया, इसका मतलब 1 करोड से आपका प्रॉफिट कम हो गया, लक्षात घ्या। मग डेप्रिसिएशन तुम्ही जास्त चार्ज केलं म्हणून तुमचा प्रॉफिट तेवढ्याने कमी झाला, जो तुमचा कमी झालेला प्रॉफिट आहे तो तुम्ही सिक्रेट रिझर्व म्हणून मेंटेन केला, लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्हाला माहित आहे। मेकिंग एक्सेस प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेट्स, बघा आपण तिकडे कमी करायचो इथे एक्सेस प्रोव्हिजन आपल्याला करायचं आहे, बरोबर त्याच्या उलट आपण इथे करत आहोत, लक्षात घ्या, विंडो ड्रेसिंगच्या उलट आपण या ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट करत आहोत। जो भी डाउटफुल डेट्स है उस पे एक्सेस प्रोविजन, जैसे मैंने बताया था कि 10 लाख के डाउटफुल डेट्स है, आपको लगता है कि 10 लाख के डाउटफुल डेट्स है आपके, उसकी जगह आपने क्या किया, तो 10 लाख से अगर डाउटफुल डेट्स है तो आपको 10 लाख की प्रोविजन करनी है, तो आपने क्या किया 20 लाख के डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन की, तो 10 लाख से आपने प्रॉफिट ज्यादा चार्ज किया, प्रॉफिट के अगेंस्ट एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज किए तो उसने उतने से प्रॉफिट आपका कम हो गया। डाउटफुल डेट डिस्काउंट ऑन डेटर्स और अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या किया आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन ज्यादा केले आपण, किंवा डिस्काउंट आपण जास्त दाखवला, लक्षात घ्या, म्हणजे खर्च वाढवला, सिंपली जितका खर्च आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आपण खर्च प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवण्याचा प्रयत्न केला। राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल असेट्स फिक्टिशियस असेट्स ऍट हायर अमाउंट, जैसे हमने बता देखा कि इनटेंजिबल असेट्स फिक्टिशियस असेट्स जो आपके है
गुडविल है, पेटेंट्स है, ये आपको राइट ऑफ करने होते हैं, लेकिन त्याच्यासाठी सुद्धा अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहे, लक्षात घ्या. इनटेंजिबल असेट्स का अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टँडर्ड है, तो वो आपको बताता है. सपोज गुडविल है तो 5 साल में आपको राइट ऑफ करनी है, तो 10% 20% आपको राइट ऑफ कर सकते हैं. आपने क्या किया, 20% की जगह 30% उसको राइट ऑफ कर दिया. ते जेवढं तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आपण राईट ऑफ करणार आहोत, हायर अमाऊंट मी राईट ऑफ करणार आहोत. किंवा हेवी ॲडव्हर्टाईजमेंट एक्सपेन्सेस, ज्याला आपण म्हणतो फिक्टिशियस असेट, ज्याला डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस आपण म्हटलं होतं, किंवा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असतील, ज्या कंपनी इस्टॅब्लिश करणे के लिए जो एक्सपेन्सेस आपके आते हैं उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कहते हैं. तो वो एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको बहुत साल के लिए मिलेगा, इसलिए आप डिफर्ड रेवेन्यू कंसिडर करते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं. तो ये एक्सपेंसेस आपको राइट ऑफ करने पड़ते हैं. आपने क्या किया, जितने राइट ऑफ करने थे 10% की जगह 20% 25% राइट ऑफ किए. तो जितना आपका प्रिस्क्राइब रेट है उससे ज़्यादा आपने अगर वो एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए या इनटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ किए, तो जितना ज्यादा किया है उतने से आपका प्रॉफिट कम होगा. मग प्रॉफिट आपल्याला कमी करायचं, लक्षात घ्या. का कमी करायचं आहे, तर आहे त्याच्यापेक्षा पोजिशन आपली खराब दाखवायची आहे. अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखिए वहां पे हम ओवर व्हॅल्युएशन करते थे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर व्हॅल्युएशन. क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन जर आपण कमी केलं तर आपला प्रॉफिट तेवढ्याने कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. तो अंडर व्हॅल्युएट करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक, तो जितने से आप क्लोजिंग स्टॉक का व्हॅल्युएशन कम करेंगे उतने से आपका प्रॉफिट कम होगा. हाँ, जसं मी मगर सांगितलं की ट्रेडिंग अकाउंट जो आहे त्याची क्रेडिट साइड जितकी जास्त असेल तेवढा प्रॉफिट तुमचा वाढणार आहे, लक्षात घ्या. ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है, जब आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अगर आपकी डेबिट साइड एक्सेस है तो ग्रॉस लॉस आएगा आपका. हाँ, क्रेडिटला डिफरन्स येणार आहे, लक्षात घ्या. तो डेबिट बॅलन्स असतो, लॉसचा डेबिट बॅलन्स असतो. लॉसचा डेबिट बॅलन्स का असतो, तर डेबिट साइड तुमची एक्सेस आहे आणि म्हणून क्रेडिट साइडला तुमच्या डिफरन्स आलेला आहे, बरोबर ना. नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया है. ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आता कैपिटल आणि रेवेन्यू याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या. कैपिटल एक्सपेंडिचर जे आहे ते आपण बॅलन्स शीटला दाखवतो, तो प्रति प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट आपण चार्ज करत नाही, त्याचं डेप्रिसिएशन आपण दरवर्षी चार्ज करतो, लक्षात घ्या. आणि रेव्हेन्यू एक्सपेन्स असेल तर ती सगळीच्या सगळी आपण प्रॉफिटच्या अगेन्स्ट चार्ज करतो. मग अशी एखादी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, फॉर एक्झाम्पल हेवी रिपेअर एक्सपेन्सेस आहे आपके, हेवी रिपेअर एक्सपेन्सेस जिसका बेनिफिट मी परवाच तुम्हाला वाटतं काल की परवा तुम्हाला हे एक्झाम्पल दिलं, ज्याचं बेनिफिट जे आहे ते काय आहे, जो आप सपोज मशनरी है आपकी और मशनरी का रिपेयर एक्सपेंसेस है, ये रिपेयर करने के बाद आपकी मशनरी जो है उसकी लाइफ इंक्रीज होने वाली है 3 साल से. अगर आपने एक्सपेंसेस किए रिपेयर एक्सपेंसेस, तो उसकी लाइफ इंक्रीज होने वाली है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है. मतलब अगर आप 10 10,000 यूनिट्स आज प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिपेयर होने के बाद यही मशीनरी 12,000 यूनिट हर दिन प्रोड्यूस करेगी. मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी. देखिए क्या क्या इंक्रीज होने वाला है, एक तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, आपके वर्किंग एक्सपेंडिचर जो है मतलब मशीनरी के लिए जो एक्सपेंसेस आपके वर्किंग एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस होने वाले हैं. वर्किंग एक्सपेंसेस आपके रिड्यूस होने वाले हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस आप रिपेयर करने वाले हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस करने वाले हैं, ये कैपिटल कंसिडर होने चाहिए. क्योंकि ये नॉर्मल रिपेयर नहीं है, नॉर्मल रिपेयर नहीं है. क्यों नॉर्मल रिपेयर नहीं है, क्योंकि मशीनरीची त्याची लाइफ वाढणार आहे, तुमची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढणार आहे आणि तुमचा खर्च कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. तो जर रिपेअर तुम्ही केला तर मग हा जो रिपेअर खर्च आहे, हा रिपेअर खर्च हा तुमचा कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून कन्सिडर होतो आणि त्या मशिनरीच्या कॉस्टमध्ये आपल्याला ॲड करावा लागतो, लक्षात घ्या. पण आपण काय केलं, मला माहित आहे, लक्षात घ्या, हे करायचं आहे, हे करायचं आहे की हे कॅपिटल एक्सपेंडिचर कन्सिडर करायचं आहे हे मला माहीत आहे. का, तर हे एक तर रिपेअर एक्सपेन्सेस आहेत ते हेवी आहेत, दुसरी गोष्ट आहे की त्याच्यामुळं मशिनरीची लाईफ तुमच्या वाढलेली आहे आणि तुमचा खर्च कमी झालेला आहे, मशिनरीची कॅपॅसिटी वाढलेली आहे. एवढ्या गोष्टी जर चेंज होत असतील तर ती कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे. हे टेक्निक, हे प्रिन्सिपल मला माहीत आहे, लक्षात घ्या. पण मी काय केलं, मला सिक्रेट रिझर्व क्रिएट करायचं आहे म्हणून मी त्या रिपेअर एक्सपेन्सेसच कन्सिडर केला. नॉर्मल रिपेअर एक्सपेन्सेस मैंने कन्सिडर किए और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किए. तो इसे हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया.
तो ट्रेड इन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल। देखिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम किसे कहते हैं, याच्या अगोदर आपण बऱ्याचदा याचा रेफरन्स जो आहे तो आपला आपल्याला आलेला आहे, लक्षात घ्या। आठवतो का काही कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी सांगू शकतो कोण? ठीक आहे, बघा आपण याचा रेफरन्स जो आहे तो पीसमील डिस्ट्रीब्युशन मध्ये बघितला होता, त्याच्यानंतर आणखीन एक दोन ठिकाणी मला आठवत नाही एक्झॅक्ट, पण मी तुम्हाला रेफरन्स दिला होता। तो कॉन्टिंजंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, देखिए लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी दैट मे ऑकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है लायबिलिटी, इसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट जे प्रोडक्ट किंवा आपण एक कन्सिडर करू की एखाद ऑइल कंपनी आहे, एक्स वाय झेड ऑइल कंपनी है जिसका ज्याचं समजा आपण ऑइल जे आहे ते आपण काय करतो डेली कुकिंग साठी यूज करतोय, आपण कुकिंग साठी यूज करतोय, आणि ते ऑइल जे आहे ते ऑइल माझ्या एका फंक्शन मध्ये मी यूज केलेलं आहे, एक्स वाय झेड कंपनी, आपण स्पेसिफिक इथे नाव नाही घेत आहोत, एक्स कंपनी आपण कन्सिडर करू, एक्स कंपनीचं ऑइल जे आहे ते मी माझ्या एका फंक्शनमध्ये यूज केलेलं आहे, आणि त्या फंक्शनमध्ये यूज केल्यानंतर त्याचा परिणाम असा झाला की लोकांना विषबाधा झाली, लक्षात घ्या काहीतरी झालं त्याच्यामध्ये, आणि मग आपण असं बघितलं चेक केल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं की जे ऑइल होतं ते ऑइल जे आहे ते खराब होतं, किंवा त्या कंपनीत काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला होता त्या कंपनीच्या ऑइलमध्ये, म्हणून मी काय केलं त्या लोकांना प्रॉब्लेम झाला, मेडिकल इश्यू क्रिएट झाला, म्हणून मी त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट केस फाईल केली, लक्षात घ्या कंपनीच्या अगेन्स्ट मी केस फाईल केली। मग कंपनी असं म्हणते, एक्स ही कंपनी आहे ती कंपनी असं म्हणते की आमचं ऑइल जे आहे ते आमचं ऑइल चांगलंच होतं, मग ही केस कोर्टामध्ये आहे आणि मी त्यांच्याकडं 1 कोटीचा दावा दाखल केलेला आहे की आमच्या इथं जे नुकसान झालेलं आहे, माझं रेप्युटेशन आहे, लोकांना झालेले जे नुकसान आहे त्याचं मिळून मला कंपनीकडून 1 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई मला मिळायला पाहिजे, मी असं कंपनीकडे दावा केलेला, लक्षात घ्या। कंपनी काय म्हणेल, आमच्या ऑइलमुळे हा प्रॉब्लेम झालेला नाही, तो कदाचित कशात दुसऱ्यानं झालेला असेल, हे प्रूव्ह कुठं होणार आहे, कोर्टामध्ये होणार आहे, लक्षात घ्या। मग कंपनीच्या दृष्टीनं मी जो दावा केलेला आहे, मिस्टर राजू गोरुलेने जो दावा केलेला आहे की 1 करोडची मला नुकसान भरपाई पाहिजे, कॉम्पेन्सेशन चाहिए मुझे, तो इसे कंपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कंसिडर करेगी। क्यों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, कंपनी को पता नहीं है ये लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है या नहीं होने वाली है, कंपनीच्या बाजूने जर निकाल लागला तर ती लायबिलिटी क्रिएट होणार नाही आहे, लक्षात घ्या, कंपनीला मला मला 1 कोटी रुपये द्यावे लागणार नाही आहेत, पण माझ्या बाजूने जर निकाल लागला कोर्टामध्ये असं प्रूव्ह झालं की खरोखर त्या कंपनीचं ऑइल खराब होतं आणि त्याच्यामुळे हे प्रॉब्लेम सगळे क्रिएट झालेले आहेत, त्याच्यामुळे जो कोण तो फंक्शन घेणारी व्यक्ती होती त्याचे बदनामी झालेली आहे, हे जर कोर्टामध्ये प्रूव्ह झालं तर कंपनीला मला 1 कोटी रुपये द्यावे लागतील, लक्षात घ्या। मग हे डिपेंड कशावरती आहे, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, फ्यूचर में कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा उस पे डिपेंड है, तो आज कंपनी भी नहीं बता सकती है कि ये लायबिलिटी है और मैं भी बता नहीं सकता कि कंपनी से मुझे इतने अमाउंट मिलने वाली है, तो इसे हम कंसिडर करते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जनरली कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं, बैलेंस शीट मध्ये आपण दाखवत नसतो, लक्षात घ्या, कारण ती डिपेंड आहे फ्यूचर इवेंट वरती, जो इवेंट आपका कोर्ट में है, कोर्ट जो रिजल्ट देगी उस पर डिपेंड है कि लायबिलिटी क्रिएट होगी या नहीं होगी, उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो सीक्रेट रिजर्व आपको अगर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएटिंग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल। कंपनी क्या करेगी, मिस्टर राजू ने जो कॉम्पेंसेशन डिमांड किया है कोर्ट में वो क्या करेगी, एक्चुअल में कंसिडर करेगी, ये लायबिलिटी है ऐसे दिखा के कंपनी लायबिलिटी मध्ये दाखवून देणार आहे, लक्षात घ्या, त्यामुळे तुमच्या लायबिलिटी इन्क्रीज होणार आहेत। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आपण असेट साईडला लायबिलिटी साईडला दाखवतो का, बॅलन्स शीट मध्ये दाखवत नाही, आपण ती फुटनोट म्हणून दाखवत असतो, लक्षात घ्या, फुटनोट म्हणून आपण कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दाखवत असतो, पण कंपनीने ती ऍक्च्युअल लायबिलिटी कन्सिडर केली आणि त्यामुळे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला ती दाखवली आणि त्यामुळे तुमच्या लायबिलिटीज वाढल्या, लक्षात घ्या, तर असं करून तुम्ही दाखवू शकताय। देखिए ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है एरर्स और फ्रॉड्स के बारे में, एरर्स और
फ्रॉड्स के बारे में, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जब ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स जो है, ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की होती है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स इज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की होती है। कारण ऑडिटर्स काम हे नाही आहे की त्याचं तुमचे ज्या काही चुका झालेल्या आहेत आणि जे अफरातफर तुमची झालेली आहे ते शोधणं हे ऑडिटरचं काम नाही आहे, लक्षात घ्या। जसं आपण बघितलं